हमारे जनपद के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। ऐसा लगता है कि चारों तरफ मौसम भी हवाएं भी माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में, मुझे वो पद भी याद आती है कि सर पड़ोसी की तमन्ना है तो सर पैदा करो। आवासीय काफी और प्रमाण पत्र राष्ट्रपति के बाद श्रीमती कुसुम देवी, अरे इधर देखो यार, श्रीमती कुसुम देवी, श्रीमती कुसुम देवी के बाद बहन अमरूल निशा, श्रीमती अमरूल निशा, पिता श्री मुश्ताक अहमद साहब और श्रीमती गुड़िया, श्रीमती अमरूल निशा के बाद श्रीमती गुड़िया, श्रीमती गुड़िया के बाद श्रीमती सोमारी, श्रीमती गुड़िया के बाद श्रीमती सोमारी और इनके बाद श्रीमती गीता, श्रीमती गीता। तो हमने 1239.59 लाख की कुल 7 परियोजनाएं हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के ग्राम विकास लक्ष्य को निकलता देखें, वो साथ चले तो सब साथ चले, सबका विकास हो। आपकी आवाज इतनी जोर से होनी चाहिए। आपकी आवाज मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ को प्राप्त होने पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। प्रतापगढ़ के लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से आज जो दुनिया के सामने आंवले की खेती के माध्यम से लोगों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ने के लिए और आंवला जो अपने आप में विटामिन से भरपूर होता है, कई गुणों से युक्त होता है, उसके खट्टी मीठी और कड़वी मिठास को दुनिया तक पहुंचाने का कार्य किया है। हमारी सरकार ने भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी योजना में प्रतापगढ़ के लिए आंवले की खेती के साथ साथ उसके उत्पाद को भी प्राथमिकता देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और मैं आप सबसे इस बारे में अवश्य अपील करूंगा कि आंवले की खेती से कोई भागना मत, नई तकनीक का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाना और फिर उसके माध्यम से यहाँ के किसानों को, यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के नौजवानों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के कार्यक्रम के साथ अगर आप सब जुड़ जाएंगे तो आपके जनपद की एक नई पहचान बन जाएगी। उस पहचान को बनाए रखने की आवश्यकता है और इस दृष्टि से आप सबके पूर्वजों को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने आंवले की खेती के माध्यम से प्रतापगढ़ को एक नई पहचान दिलाई। इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं मेडिकल कॉलेज मिलने पर। मैं जानता हूं प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज मिलना कितना कठिन कार्य था, किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन आज आप प्रतापगढ़ भी कह सकता है कि प्रतापगढ़ में भी हम लोग मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ के नाम पर जान पाएंगे। प्रतापगढ़ में आने वाले समय में जब यहाँ पर सत्र प्रारंभ होगा, पहला सत्र यहाँ से जब प्रारंभ होगा तो 100 छात्रों को यहाँ पर प्रवेश की सुविधा प्राप्त होगी।